खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल जान लीजिए। अधिकतर इलाकों में यहां तीन दिनों से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। राहत पाने के लिए लोग शिकंजी पी रहे हैं, नींबू की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, बर्फ से बनी हुई चीजें पी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन कोई राहत नहीं। दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के हालांकि दो तीन दिन बाद के आसार है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि ठंडी हवाओं के वजह से थोड़ी बारिश भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल एक दो दिन के लिए तो कोई राहत यहां पर बनेगी नहीं। कल रात थोड़ा मौसम बदला, पहाड़ी इलाकों में मौसम बदला इसीलिए, लेकिन उसने कोई बहुत बड़ी राहत नहीं दी। जो है लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे नीचे ही दिल्ली एनसीआर में आज रिकॉर्ड होने की संभावना है। और इसकी जो मुख्य वजह आप कह सकते हैं वो कि जो पूर्वी हवाओं का दिल्ली एनसीआर तक पहुंचना है, जो कि बंगाल की खाड़ी से चल करके उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली एनसीआर तक पहुँच रही है।